अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब की तीन शक्लें बताई। एक शक्ल ख्वाब की ये कि इंसान को अल्लाह की तरफ से बशारत दी जाती है, खुशखबरी के खुशखबरी होती है, ये नबुवत का 46वां हिस्सा करार दिया गया, बशारत की शक्ल में ख्वाब दिखाया जाता है। एक शक्ल शैतानी ख्वाब होते हैं, आप देखते हैं ख्वाब में डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, कोई जानवर आपको दौड़ा रहा है, कुछ काट रहा है, या इस तरह के और चीज़ें आप ख्वाब में देख रहे हैं, ये शैतान के जानिब से होता है, शैतान ये चीज़ें आपको दिखलाता है। और एक शक्ल होती है कि ख्यालाती, यानी दिन भर हम जो काम करते हैं, जो अपने जहनों में सोचते हैं, वो चीज़ रात में ख्वाब की शक्ल में हमारे जहनों में आता है। ये ख्वाब की तीन शक्लें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और बताया कि पहली शक्ल अगर इंसान ऐसा ख्वाब देखता है जिसकी बुनियाद पे लगता है कि अल्लाह की तरफ से ये बशारत है, अच्छे ख्वाब है, तो हर किसी को बयान नहीं कर सकता है। किसे बयान करे? उसे बयान करे जो उसको अच्छी ताबीर दे सके, जो उसको बता सके अच्छी तरीके से, उसके पास कुरान और हदीस का इल्म हो, अच्छी ताबीर दे सके, ऐसे शख्स को हम अपना ख्वाब बयान करेंगे, वो भी झूठ नहीं, जो हमने देखा है हूबहू उतना ही बयान करेंगे। अगर हमने उसमें झूठ मिला दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, मन तहल्लम बिहुल्म लम यरहु कुल्लिफा अन यअक़िद बैन शईरतैन वलन यफ़अल, जिसने वो चीज़ बयान किया जिसको उसने नहीं देखा, ख्वाब में देखा ही नहीं वो चीज़, लोगों में शोहरत हासिल करने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए मैं इतना अच्छा अच्छा ख्वाब देखता हूँ, ये झूठ बोल जाए और वो चीज़ पेश कर दे जो उसने नहीं देखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन ऐसे शख्स को ये सज़ा मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जौ के दाने देगा, जौ के दो दाने देगा, जिसे हम गेहूं कहते हैं, जौ कहें गेहूं कहें, शईर का लफ्ज़ है अरबी में, शईरतैन, अल्लाह दो जौ देगा, दो जौ के दाने देगा और कहेगा इसके अंदर ग्रह लगाओ। आप सोच सकते हैं कि जौ के दो दाने के अंदर ग्रह लगाना है, कोई है किसी के अंदर ये ताकत कि जौ के दो दानों के अंदर ग्रह लगा दे? नामुमकिन सी बात है, नहीं लगा सकते हैं हम। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको ये कहा जाएगा कि जौ के दो दानों के दरमियान ग्रह लगाओ। वलन यफअल, ये क्यों कहा जाएगा? सजा देने के लिए, बतौर कि ऐसा नामुमकिन है, ऐसा नहीं कर सकते हो, जब नहीं कर सकते हो, रब की नाफरमानी करोगे तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अजाब देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जहन्नम में डालेगा। अल्लाह के नबी ने आगे फरमा दिया वलन यफअल, और कर भी नहीं पाएगा ऐसा। अंदाजा करें, गौर करें, सोचें, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी लोगों में अपने झूठे झूठे ख्वाब बयान करके शोहरत तलब कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे हैं। ये पहली शक्ल है। दूसरी शक्ल, आपने ख्वाब देखा वो शैतानी है, शैतानी है, डर गए, घबरा गए, डरावना ख्वाब आप देख रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से फरमाया कि जब आप घबराने वाला ख्वाब देखो, डरावना ख्वाब देखो, तो सबसे पहले जिस करवट सो रहे हो उस करवट को आप बदल लो। दाहिना करवट है, उल्टे करवट हो जाओ, उल्टे करवट सो रहे हो, बाएं करवट सो रहे हो, दाहिने करवट पे चले जाओ और आऊज़ बिल्ला पढ़ करके अपने बाएं तरफ तीन बार थूक लो। आऊज़ बिल्ला पढ़ो, तीन बार बाएं तरफ थूक लो। उसके बाद ये ख्वाब किसी से भी बयान मत करो, किसी को ना बताओ। इंशाअल्लाह इस ख्वाब में जो आपने तकलीफ की चीज़, गम की चीज़, मुसीबत की चीज़ देखी है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई तकलीफ उससे नहीं पहुंचेगी, आप किसी से ना बयान करो। और तीसरी किस्म ख्वाब की ये कि हमारे ख्यालात होंगे, जाहिर सी बात है इसकी कोई हकीकत नहीं होगी, इसे भी हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख्वाब की हकीकत है। पता चला, हमें नसीहत मिला कि अगर हमने झूठ में ख्वाब बयान किया, और माशरे में ये चीज़ है
तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, अगर ये चीज ना होती अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बताते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बता दिया कि जो झूठा ख्वाब बयान करेगा अल्लाह की तरफ से उसको ये सजा मिलेगी। इसका मतलब कि अल्लाह के नबी ने कहा तो ये चीज माशरे में रहेगी और क़यामत तक लोग ऐसा करेंगे, और जो भी ऐसा करेंगे वो गौर से सुन लें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको धमकी दे दी है। हम गौर करें, हम सोचें, कहीं हम इस धमकी में शामिल तो नहीं, कहीं हमारी ये आदत तो नहीं कि हम भी झूठा ख्वाब लोगों में बयान कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, याद रखें, हमारी नमाजें बेकार, हमारे रोज़े बेकार, हमारे नेकियों के सारे अमाल बेकार हो जाएंगे और अल्लाह के यहाँ हम मबगूज़ हो जाएंगे, अल्लाह के तकर्रुब से हम बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए आप अपने अंदर ये सिफत ना लाएं। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।